एवरीवन, मैं हूँ पूनम आपके चैनल योर लाइफ माय लाइफ से। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी, वो भी दो स्टाइल में। एक है जनरल सी फिरनी जो हर जगह अवेलेबल होती है, दूसरी है मैंगो फिरनी जो सीजनली बन सकती है। ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे आप लोग कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी जरूर हमको बताइएगा। 2 लीटर दूध लिए हैं फिरनी बनाने के लिए, और 2 बड़े आम को मैंने छील के इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए हैं। एकदम मैंगो पल्प बनाए, इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किए हैं। जो करीब आपका 400 से 500 ग्राम होगा। 1.5 कटोरी चीनी लिए हैं, चीनी का मात्रा आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं जिसको मैंने 30 मिनट तक पानी में भिगो लिए हैं। आप थोड़ा सा दरदरा मैंने इसको पीसा, फाइनली नहीं पीसा, एकदम दरदरा। और आप लोग कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर काजू पेस्ट है, 10 से 15 काजू पेस्ट है, खजूर पेस्ट है जो भी 5 खजूर मैंने लिया, पिस्ता लिए 10 पीस, इलायची मैंने लिए 5 पीस, यहाँ है आलमंड्स है मेरा 5 पीस, काजू है मेरा 5 पीस। और गरम पानी में मैंने केसर को भिगा के 5 मिनट पहले से रखी हूँ। फाइनली चॉप मैंने मैंगो लिए हैं और घी। आज मैं फिरनी 2 टाइप का फिरनी दिखाने जा रही हूँ, एक है मैंगो फिरनी और दूसरा है नॉर्मल। इसमें मैं पहले दूध डाल दे रही हूँ, 2 लीटर जो मैंने पहले लिए हैं। मेरे दूध गर्म हो चुके हैं, अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ जो मैं पहले भिगो के पीस के रखे हूँ। अब चावल को हम लोग करीब 10 मिनट तक पकाते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। मेरी फिरनी ऑलमोस्ट चावल देखिए पक चुकी है, मुझे अब चेक करना है चावल पका है कि नहीं। थोड़ा सा और पकने की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग और 5 मिनट देते हैं पकने के लिए। जब तक मेरी फिरनी इधर बन रही है तब तक मैं दूसरे गैस में अपने जितने भी मसाला है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इसको बीच बीच में मुझे हिलाना है, इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच घी ले रही हूँ। और ये जो भी नट्स है इसमें इसमें फ्राई कर देंगे। ये ऑलरेडी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं अपना गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मेरी फिरनी
पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी जैसे छूटेगा, तो तब तक थोड़ा पानी जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम लोग चीनी को पिघल के, जब तक इसका पानी खत्म नहीं होता तब तक हम लोग इसको हिलाते रहेंगे। एवं साथ ही साथ में हम लोग इसमें काजू पेस्ट, खजूर पेस्ट सब डाल देंगे। इसमें जो भूंजा हुआ ड्राई फ्रूट्स हम लोग भूंजे थे वो इसमें डाल देंगे। हम लोग की फेंटनी ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और इसका पानी सूखना है, उसके बाद ही हम लोग इसमें केसर ये ऐड करेंगे। तो ये तब तक हिलाएंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। आप देख रहे मेरी फिरनी पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दो चीज़, एक है आपका केसर, दूसरा है इलायची। केसर एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। केसर डालने से कुछ नहीं, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और इसका खुद का केसर का फ्लेवर होता है जो खाने में भी बहुत बढ़िया बनता है। साथ में मैं थोड़ा सा पिस्ता दाना भी दे रही हूँ। मेरी फिरनी पूरी तरह से बन चुकी है। अब मैं इसको सर्विंग बोल में तुरंत ही तुरंत डालूंगी, क्योंकि फिरनी का नियम ये तुरंत तुरंत सर्विंग बोल में डालने के लिए, क्योंकि इसमें जो लेयर होता है वो नहीं पड़नी चाहिए, जो भी लेयर होगी वो सर्विंग बोल में होना चाहिए। तो मैं अब सर्व करने के लिए रेडी हूँ। आप देख सकते मेरी फिरनी मैं ऑलरेडी सर्व कर चुकी हूँ और कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से आप घर पे फिरनी बना सकते हैं। ये फिरनी मैंने ईद स्पेशल, अब देखिए बन चुकी है मेरी फिरनी घर पे ही बैठ के। कैसे कितने आसानी से हम लोग फिरनी घर में बना सकते हैं। इसको कभी भी खाइए, लेकिन ठंडा होने के बाद तुरंत मत खाइए। मेरी फिरनी एकदम से ठंडी हो चुकी है। अब हम मैं जा रही हूँ मैंगो फिरनी बनाने। जस्ट दो स्टेप में हम लोग मैंगो फिरनी बना सकते हैं, जैसे वेट एंड वॉच। इसमें मैं मैंगो पल्प डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इलायची का पाउडर मैं इसमें मिला दे रही हूँ। अब मेरी मैंगो फिरनी बन चुकी है। आप देख रहे हैं मेरी फिरनी बन चुकी है। थोड़ा सा मैंने मैंगो जो फाइनली चॉप करके रखी थी वही, उसी से मैंने डेकोरेशन किया है। तो आज मेरी फिरनी, दोनों फिरनी रेडी है, नॉर्मल फिरनी और मैंगो फिरनी। देखिए दोनों फिरनी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। एक है मैंगो फिरनी और एक है सिंपल फिरनी। तो आप लोग ये फिरनी अपने घर में बना सकते हैं बहुत इजीली। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।